हाय एवरीवन, दिस इज राजेश गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोटो साउंड। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पे जो बातें करते हैं वो सारी बाइक से रिलेटेड बातें करते हैं और स्पेशली टू स्ट्रोक के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा कि गियर बॉक्स को कैसे फिट करते हैं, गियर को कैसे जमाएं। तो चलिए, ये भी एक बहुत पेचीदा काम है क्योंकि जब भी इसको कोई नया मैकेनिक इसको फिट करता है इस एक्सल में तो सब अड़ा टेढ़ा तिरछा लगा देता है। जहाँ सरक्लिप लगनी चाहिए वहाँ लॉक लगा देता है, जहाँ लॉक लगना चाहिए वहाँ सरक्लिप लगा देता है। तो इस तरह की कई सारी कहानियाँ वो कर देता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि ये सारे गियर को इस सॉफ्ट में कैसे असेंबल किया जाता है। देखिए, गियर बॉक्स में दो सॉफ्ट होती है, एक बड़ी सॉफ्ट और एक ये छोटी सॉफ्ट। छोटी सॉफ्ट में चौथा गियर होता है, फोर्थ गियर, उसका डॉग होता है। ठीक है, अब ये चौथा गियर को चेंज करने के लिए हमें लेथ पे जाना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है हाइड्रोलिक से प्रेस करके और उसके बाद इसको सेट करना पड़ता है। तो ये तो इजीली काम है, ये हो जाता है, लेथ पे हो जाता है, लेथ वाला भी कर देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन डिफिकल्ट काम होता है इस सॉफ्ट में सारे गियर्स को असेंबल करना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे असेंबल करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप भी इसको असेंबल प्रॉपरली कर सकें। क्योंकि जनरली जो नए मैकेनिक्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो लोग पीछे वाशर लगा देंगे, सामने लॉक लगा देंगे, कई बार वाशर भूल जाएंगे, कई बार लॉक भूल जाएंगे, और आपकी गाड़ी जब फिट हो जाएगी उसके बाद कुछ अच्छे से चलेगी नहीं, सब सत्यानाश करके छोड़ देगी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसको कैसे असेंबल कर। तो चलिए दोस्तों, हम इस शॉप को असेंबल करते हैं सारे गियर्स लगा करके। तो हमें कैसे लगाना है, ये कुछ वाशर और कुछ सरक्लिप्स हैं जिनसे हमको लॉक करना है। इस तरह की तीन बड़ी सरक्लिप लगती है, एक छोटी सरक्लिप लगती है और दो वाशर लगते हैं। तो देखिए, दो या तीन वाशर लगते हैं। तो चलिए, मैंने तो बहुत सारा निकाल के रखा है, अब मैं इसको असेंबल करना चालू करता हूँ। सबसे पहले ये जहाँ पे चेनिस पॉकेट वाला जो भाग होता है, इसको इस साइड में सबसे पहले सेकंड गियर को लगना। ये सेकंड गियर को हमने डाल दिया, इस तरह का एक वाइशर इसमें डालना है, और ये जो बड़ी वाली सरक्लिप है इससे इसको लॉक करना है, लॉक प्लायर के हेल्प से। देखिए, अभी ये प्रॉपरली लॉक नहीं हुआ है। आई थिंक जो सरक्लिप है वो बाहर आ चुकी है। देखिए, तो ये हमने पहला गियर इसमें लगा दिया है। अब हम लगाएंगे थर्ड गियर का डॉग। थर्ड गियर का डॉग जो होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये चौड़ा वाला पोर्शन, ये सेकंड गियर की तरफ जाएगा इस तरह से, और जो छोटा वाला खांचा है वो थर्ड गियर की तरफ आएगा, इसको थर्ड गियर बोलते हैं। तो इस थर्ड गियर को इस तरह से हम लगाएंगे यहाँ पे, मगर सबसे पहले हमको इस डॉग को भी लॉक करना पड़ेगा। तो एक बड़ी वाली सरक्लिप जो है उसको लेंगे, इस तरह से, और यहाँ फंसा देंगे। ये देखिए, अब ये डॉग यहाँ पे लॉक हो गया। उसके बाद थर्ड गियर को डालेंगे, फिर एक वॉशर लेंगे इस तरह से, एक बड़ी सरक्लिप फिर लेंगे, देखिए ये थर्ड गियर लग गया, ये थर्ड गियर का डॉग और ये सेकंड गियर। तो ये जो डॉग है ये सेकंड गियर को भी चलाता है, थर्ड गियर को भी चलाता है। तो देखिए, ये फिट हो गया। मैकेनिक्स जनरली क्या होते हैं, ये वाइशर को इधर लगा देते हैं, लॉक को इधर लगा देते हैं। ये वाइशर को इधर नहीं लगाना है, ये वाइशर इस थर्ड गियर के इस वाले पोर्शन में ही होना चाहिए। जनरली मैकेनिक्स क्या करते हैं, इस सरक्लिप को, तो सरक्लिप तो यहाँ लगाते हैं, उसके बाद सरक्लिप के पहले वाइशर लगा देते हैं, फिर इसको डाल देते हैं, फिर इधर से सरक्लिप लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं लगाना है, वाइशर इस साइड से होना चाहिए, ना कि इस साइड से। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। उसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट गियर का डॉग इस तरह से, ये हमने लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे हम फर्स्ट गियर को, ये फर्स्ट गियर लग गया।
देखिए, उसके बाद लगाएंगे ये वॉशर और फिर डाल देंगे छोटी वाली सर क्लिप। ये हो गया हमारा गियर बॉक्स रेडी। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस गियर बॉक्स को असेंबल कर दिया है, सारे के सारे गियर लगा दिए हैं और जब ये क्रैंक केस में बैठता है, सेंटर केसिंग में जो बैठता है वो इस तरह से बैठता है, इस तरह से इसकी फिटिंग आती है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, क्योंकि गियरबॉक्स फिटिंग में हमेशा मिस्टेक खाते हैं और इस शॉट में जब गियर को असेंबल करते हैं तो मैकेनिक्स हमेशा मिस्टेक करते हैं, कभी सर्कलिप इधर लगाते हैं, कभी वॉशर इधर लगाते हैं, तो वो गलती करने की वजह से हमारे गियरों की टाइमिंग मिसमैच होती है, जिसकी वजह से हमारे गियर तो ख़राब होते ही होते हैं, हमारी गियर नाल भी ख़राब होती है, हमारी गाड़ी भी अच्छे से नहीं चलती है, गियर हार्ड लगते हैं, गियर ऑपरेट नहीं होते हैं बराबर। ये बहुत सारे कारण होते हैं गलत तरीके से असेंबल करने के। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं यार, गाड़ी चलानी है, गाड़ी का शौक है, हम राइडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें उसके बारे में नॉलेज चाहिए। और जब भी आप अपनी गाड़ी बनवाए, आप मैकेनिक के पास छोड़ देते हैं, चले जाते नहीं, आप देखिए वो क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। अगर वो आपके क्रैंक का काम कर रहा है तो आपको समझ में आएगा क्रैंक कैसे बनता है, अगर वो आपके क्लच बेल का काम कर रहा है तो आपको समझ में आएगा क्लच बेल कैसे रिपेयर होती है, अगर वो आपका क्लच प्लेट लगा रहा है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्लच प्लेट कैसे लगाई जाती, खराब कैसे थी, अच्छी कैसे थी, तो अगली बार जो है ना आप भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि मेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या फॉल्ट आ रहा है, और अपनी गाड़ी को अपने तरीके से बनवा पाएंगे। तो प्लीज़ जब भी अपनी गाड़ी बनवाएं अपने मैकेनिक के पास रहें और देखें, ऐसा नहीं है आप लोग छोड़ के चले आते हैं फिर वो अपने हिसाब से करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता हमारी गाड़ी में क्या हुआ था, क्या रिप्लेस हुआ, क्या प्रॉब्लम थी और किस प्रॉब्लम की वजह से हमारी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। तो जब भी अपनी गाड़ी बनाएं मैकेनिक्स के पास बैठें और देखें, अगर गाड़ी चलानी है तो थोड़ा नॉलेज तो गाड़ी के बारे में लेना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।